अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब नंगा नाच मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बाबू। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोध और आज मैं कुछ ऐसी कहानी की पोल खोलने वाला हूं जो कि इस देश के लोगों को बहुत ही ज्यादा अंधेरे में रखती है। भारत देश में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि इस संसार की रचना ब्रह्मा ने की है और उसी रचना के दौरान इस विश्व के लोगों की रचना भी ब्रह्मा ने ही की है और उस रचना को चार वर्ण में किया है जिसमें से वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उन्हीं लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है। हाँ भाई हाँ, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुआ है। अरे हाँ भाई हाँ, सभी इसी तरह हुए हैं। पहले सारे सुन तो लो। ब्रह्मा के पेट से वैश्य पैदा हुआ है और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुआ है। मैं नहीं मानता। अरे हाँ अक्षय भाई, मानते तो हम भी नहीं हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं तो क्या करें। अब यह बातें सुनकर आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब एक विज्ञान सब्जेक्ट का बच्चा ऐसी बातों को सुनता है तो उसका एक ही रिएक्शन होता है। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार जब हम इन लोगों को सामान्य लॉजिक के साथ समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसा आप बता रहे हैं ऐसा वास्तविकता में संभव नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, पहला यूट्रस और दूसरा पेट को चीरकर। ऐसे लॉजिक सुनकर भक्तों का एक ही रिएक्शन होता है। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इनका यही कहना है कि हमारे पास दिमाग नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वह वैज्ञानिक तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरह एक बच्चा बनता है या जन्म लेता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ हाँ, मजा तो आ जाएगा, लेकिन पहले पूरा वीडियो ध्यान से सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, प्लस वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बच्चे को जन्म देने के लिए या एक बच्चा बनाने के लिए सबसे पहले दो लोगों का मिलना बहुत जरूरी है, एक पुरुष और एक महिला। अगर दोनों पुरुष मिलते हैं तब भी काम नहीं चलेगा, अगर दोनों स्त्रियां मिलती हैं तब भी काम नहीं चलेगा। काम सिर्फ तभी चलेगा जब एक स्त्री और एक पुरुष मिलेगा। मिलेगा मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। वह एक शारीरिक प्रक्रिया होती है जिसे हिंदी में संभोग और इंग्लिश में सेक्स कहते हैं। उसके बाद फिर आंतरिक प्रक्रिया शुरू होने लग जाती है। उसके बाद जो इंसान का वीर्य होता है वह महिला के यूट्रस में जाता है। उसके बाद यह जो आप देख रहे हैं ये क्या है भक्तो? ये तो कैचुआ है। अबे ये कैचुआ नहीं है, ये स्पर्म सेल है। स्पर्म की एक बूंद में सैकड़ों स्पर्म सेल होते हैं। यह इसी तरीके से बहुत सारे निकलते हैं और महिला की ओवरी तक जाने की रेस लगाते हैं। महिला की ओवरी, जिसे हम अंडाणु भी कह सकते हैं, ओवरी में एक स्पर्म सेल एंटर कर जाता है। एक ही कैचुआ नहीं, मतलब एक ही स्पर्म सेल वहां जाकर मिलता है, जैसे बाहर वह पति और पत्नी मिले थे। उसके बाद जो ये आप क्रोमोसोम्स देख रहे हैं इन्हीं से स्पर्म सेल की मुलाकात होती है। उसके बाद यह दोनों लोग आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद एक सेल क्रिएट होती है और उसे जायगोट कहते हैं। अब यह सेल धीरे धीरे बढ़ती रहती है, अपने आप को मल्टीप्लीकेट करती रहती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। एक माँ के पेट के अंदर सेल बढ़ने की यह प्रक्रिया पूरे 9 महीने तक चलती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डेवलप होते होते 9वें महीने तक बच्चा तैयार हो जाता है बाहर निकलने के लिए। अब बाहर निकलने के रास्ते सिर्फ दो ही हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पहला यूट्रस और दूसरा पेट को चीरकर। यह था वैज्ञानिक तरीका जो हर जीवों पर लागू होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, या कोई पक्षी हो, या कोई कीड़ा मकोड़ा हो, यहां तक कि कोई भगवान भी क्यों ना हो।
क्योंकि अगर भगवानों में यह प्रक्रिया लागू नहीं होती तो उस समय यानी कि भगवानों के समय शादी प्रेम विवाह जैसे कोई रिश्ते या रीति रिवाज नहीं होते। राम की पत्नी सीता नहीं होती, भोले की पत्नी पार्वती नहीं होती, कृष्ण की पत्नी नहीं होती। अगर बिना संभोग या बिना इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरे उन लोगों को बच्चा होता। अब आप मुझे बताइए, आप किस बात का यकीन मानेंगे जो हजारों लाखों साल पहले हुआ होगा और जिसका आज तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या उदाहरण नहीं है उस पर, या जो हजारों सालों से लगातार होता आ रहा है जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास में है, जिसकी रिसर्च आपके सामने है, जिसके उदाहरण आपके सामने है और शायद इसी प्रक्रिया से आपका भी जन्म हुआ होगा, उसको मानेंगे। अब आप मुझे बताइए कि उस गढ़ी हुई कहानी को मानेंगे या इस वास्तविकता को मानेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग उंगली करेंगे, अरे तूने इसको कहानी कैसे बोल दिया। सुनो भाई, ये लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने संसार का निर्माण किया है, ब्रह्मा ने इस पृथ्वी को बनाया है। मैं एक बात आपको बहुत सरल माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारत के बाहर ब्रह्मा नाम के किसी भी जीव को ना तो कोई जानता है और ना ही उसको कोई मानता है, ना ही उसकी कोई पूजा करता है, तो उसकी प्रक्रिया को फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है। अरे विदेशों की तो छोड़ ही दो, आज भारत में भी बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है ऐसी मनगढ़ंत कहानियों को नकारने वालों की, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा इस देश में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये मनगढ़ंत कहानियां खत्म होती जाएंगी। इन सारी बातों का सार मैं आपको दो लाइनों में बताना चाहूंगा। आपने अक्सर सड़कों पर लोगों को जादू दिखाते देखा होगा और यकीनन बच्चे वे बहुत सारे लोग उसको बोलते भी हैं कि हाँ यह सचमुच में जादू है, चमत्कार है। लेकिन वास्तविकता तो हमको और आपको मालूम है कि वह सिर्फ आंखों का धोखा होता है, हाथ की सफाई होती है। तो ठीक उसी प्रकार जो ये मनगढ़ंत कहानियां हमारे सामने हैं, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है उनके लिए क्यों ना वह बहुत बड़ी चमत्कारी घटनाएं हो, लेकिन मेरे लिए और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे देखने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है, पैसा कमाने का एक अच्छा मौका है, व्यापार यह बहुत चोखा है। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता था कि मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करना, उन्हें फैलाना और उन कहानियों को सुनकर उनको बहुत चमत्कारिक शक्ति या देवता मानकर पूजना बंद कर दीजिए और इस अपने बच्चों को वैज्ञानिक मानसिकता देने का काम कीजिए। उन लोगों की दिमाग की जो प्रगति है उसको बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, उनके दिमाग पर चमत्कार जादू जैसी लिमिटेशंस को मत लगाइए अगर आप इस देश को व अपने परिवार को विकसित बनाना चाहते हैं। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध आप लोगों को बहुत सरलतापूर्वक इन बातों को समझाना चाहता था, वैज्ञानिक दृष्टि को आपको दिखाना चाहता था। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है वे आप चाहते हैं कि अन्य लोग भी इस वीडियो को समझें देखें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध मिलता हूँ आपसे किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।